हेलो फ्रेंड्स, शर्मिला स्प्रे में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया तोरण बताऊंगी। ये वाला ये देखिए, ये डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। इसके लिए मैंने मल्टी कलर का वूल कॉम्बिनेशन लिया हूँ। ये देखिए, ये मल्टी कलर वूल आपको क्राफ्ट शॉप में मिल जाएगा। मैंने यहाँ ही के क्राफ्ट शॉप से मैं ली हूँ। तो आपको, आप जहाँ से वूल परचेस करते हैं आप उनको बोलिएगा, वो मिल जाएगा वूल आपको। क्रोशेट हो गया मेरा 2 mm का, और मोती है 570, 10 mm का मोती है। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये 17 डबल क्रोशेट से मैं स्टार्ट करूँगी। 17 डबल क्रोशेट लेना है, तीन चेन लेके टर्न लेना है, और उसके बाद 4 डबल क्रोशेट, चार डबल क्रोशेट लेने के बाद एक चेन, ये छोड़ना है यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर सेम में एक डबल क्रोशेट। अभी ये छोड़ना है इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशर, एक चेन, फिर सेम स्पेस में एक डबल क्रोशर। ये छोड़ना है यहाँ पे एक डबल क्रोशर, एक चेन और एक डबल क्रोशर। ये छोड़ना है यहाँ पे एक डबल क्रोशर, एक चेन, एक डबल क्रोशर। अब एक चेन लेना है, एक छोड़ना है, फिर 4 डबल क्रोशर के ऊपर 4 डबल क्रोशर। तीन चेन टर्न, चार डबल क्रोशर, एक चेन, अभी नेक्स्ट गैप में एक डबल क्रोशर, एक चेन, एक डबल क्रोशर। ये हमारा डिज़ाइन ऐसा बनेगा। एक चेन, फिर 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशर। तीन चेन टर्न, चार डबल क्रोशर, एक चेन,
नेक्स्ट गैप में एक डबल क्रोशर, एक चेन, एक डबल क्रोशर, सेम ये हमारा ऐसा चार बनेगा। एक चेन, सॉरी, एक डबल क्रोशर, एक चेन, एक डबल क्रोशर, फिर से एक चेन, तीन चेन, टर्न, देखें डिज़ाइन। देखिए ऐसा डिज़ाइन हमें कंप्लीट करना है, 96 लाइन बनाने हैं इसके। देखिए फ्रेंड्स ये ऐसा बनेगा, टोटल 96 लाइंस का मैंने बनाया है। अब मैं इसमें दूसरा कलर ऐड करूँगी, ये वाला। फर्स्ट में ही ऐड करना है। तीन चेन, तीन डबल क्रोशर, उसके बाद ये छोड़ना है एक लाइन, तीसरे लाइन में चार डबल क्रोशर। एक एक लाइन हमें छोड़ते हुए बनाने हैं।
ऐसे करके एक एक लाइन छोड़ते हुए बनाना है, पूरा एंड तक बनाएंगे। फ्रेंड्स अभी मैं इसमें मोती लगाऊंगी, ये देखिए इसमें मोती मैंने डाल के रखा है, उनमें मोती डाल के रखना है हमें। ये मैंने एज अ मार्कर के हिसाब से यूज़ की हूँ। सबसे पहले मैं इसी में फर्स्ट जो गैप है यहाँ पे तीन चेन, उसके बाद तीन डबल क्रोशर। नेक्स्ट गैप में भी चार डबल क्रोशर। मैं मल्टी कलर रूल से मैं बना रही हूँ, आप कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। टोटल पांच बनाना है हमें, पांच डबल क्रोशर, ए सॉरी पांच, ये भी मैंने एक मार्कर के हिसाब से डाल के रखा था, इससे क्या होता है काउंटिंग में इजी पड़ता है। चेन चार पांच, अब मैं चेन बनाऊंगी। ये मैंने 50 के करीब चेन बनाई हूँ, और ये जो चेन है मैंने पतला क्रोशेट से बनाई हूँ, इससे क्या होता है थोड़ा जो चेन है ये पतला होगा और जो मेरे मोती है आराम से इसमें जाएंगे। ये 10 नंबर का मोती है, उसके लिए मैंने तार यूज़ की हूँ। अब मैं इसमें मोती डालूँगी, बारह मोती डालूंगी मैं, जो कि ये 10 नंबर का मोती है। अब मैं ये देखिए, जब मैंने ये पांच गैप में चार चार डबल क्रोशिया डालने के बाद एक दो गैप छोड़ना है, तीसरे गैप में मैंने यहाँ पे भी मार्कर डाल के रखी थी, तीसरे गैप में सेम हमें चार डबल क्रोशिया डालने हैं। फिर नेक्स्ट गैप में चार डबल क्रोशिया।
देखिए, पांच डिज़ाइन बनाने के बाद फिर से मेरे को मोती डालने हैं। ऐसे ही मोती में डालूँगी। पचास चेन बना लूँगी पहले अभी। पचास चेन बनाने के बाद तार को ऐसे डाल के खींच दूंगी। थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, नहीं तो एकदम टाइट हो जाता है ये। फिर से एक दो दो गैप को छोड़ के तीसरे गैप में चार डबल क्रोशर। हम ऐसे ही करके पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बनाने के बाद अभी मैं इसको टर्न करूँगी। एक चेन लेके टर्न करना है। ये जो डिज़ाइन बना है टोटल छः डिज़ाइन, छः बनाना है। एक दो तीन चार पाँच और ये छः। एक चेन लेके टर्न करके ये गैप तक मैं स्लिप नॉट से आऊँगी। तीन चेन के बाद तीन डबल क्रोशर। अब नेक्स्ट गैप में चार डबल क्रोशर।
एक दो तीन चार। अब मैं 25 चेन लूँगी क्योंकि अभी हमें इसको 6-6 में डिवाइड करना है। एक मैंने 30 तक ही लिया मोती ताकि कभी हमारा ये चेन छोटा ना पड़ जाए। मैं तार लगाऊंगी। छह मोती डालने हैं। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लूज रखेंगे इसको। छह मोती के बीच में चार डबल क्रोशर डालने हैं। अब यहाँ पे हम चार डबल क्रोशर डालेंगे। देखिए
सेम यहाँ भी हम चेन बनाएंगे। अभी चेन डालने के बाद सेम 6 मोती डालेंगे। छह मोती के बीच में 4 डबल क्रोशर। चेन बनाने के बाद फिर से 6 मोती। अब हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट डालेंगे। ऐसे ही करके पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ये लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं एक चेन लेके टर्न लूँगी और गैप तक सिंगल क्रोशर से आऊँगी। अब 3 चेन, 3 डबल क्रोशर,
देखिए अब फ्रेंड्स, मैं इसी क्रोसेट से ही मैं चेन बनाऊंगी। मैंने अभी ट्राई किया था तो इसमें हो गया था, बट मैं थोड़ा छोटा छोटा बनाऊंगी। चौबीस चेन मैंने बनाया। मोती छह डालना है। थोड़ा इसको लूज करेंगे हम। अब यहाँ पे चार डबल क्रोशिया डालना है। फिर यहाँ पे हम चार डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर से चेन डालेंगे। थोड़ा लूज रखेंगे इसको हम। छह मोती डालने के बाद फिर से हम यहाँ पे चार डबल क्रोशिया डालेंगे।
फ्रेंड ऐसे ही करके पूरा लाइन हम कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ तक आने के बाद अभी हम इसमें फिर से एक चेन लेंगे, एक चेन लेके टर्न लेना है। गैप तक सिंगल क्रोशेट से आना है। फिर तीन चेन, तीन डबल क्रोशर, नेक्स्ट गैप में चार डबल क्रोशर, अभी हम चेन बनाएंगे छोटा छोटा। तार डालने के बाद मोती लेंगे छह, यहाँ पे हमारा ये बढ़ेगा, यहाँ पे चार डबल क्रोशर, नेक्स्ट गैप में चार डबल क्रोशर, चेन अप
अब यहाँ पे सेम 4 डबल क्रोशे डालने हैं। पूरा लाइन ऐसे ही करके हम कंप्लीट करेंगे जैसा हमने यहाँ पे बनाया। यहाँ तक आने के बाद फ्रेंड्स फिर से मैं इसमें एक चेन लेकर टर्न लूँगी गैप तक, सिंगल क्रोशेट आना है। सॉरी, गैप तक स्लिप नॉट से आना है, सिंगल क्रोशेट नहीं। अभी मैं 3 चेन लेके 3 डबल क्रोशेट। फिर चेन बनाएंगे छोटा छोटा। अभी हम यहाँ पे लेंगे 4 डबल क्रोशर। नेक्स्ट गैप में 4 डबल क्रोशर। चेन लेंगे अभी
मैंने 20-21 चेन ली हूँ क्योंकि मुझे बस 6 मोती डालने हैं और ये 10 नंबर के मोती है। उसी हिसाब से जब आप अगर छोटा मोती डाल लेते हैं तो आपको 15 चेन में हो जाएगा। फिर से यहाँ पे अभी हम 4 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए पांच डिज़ाइन बनाई है, ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम यहाँ से बाद में स्टार्ट करेंगे, ये पूरा लाइन हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे धागा को कट कर दूँगी। इसको हम ऐसे हाइड कर देंगे। अभी नेक्स्ट धागा में यहाँ से ऐड करूँगी इधर। ऐड करने के बाद 3 चेन लेंगे, उसके बाद 3 डबल क्रोशर। नेक्स्ट गैप में भी लेना है 4 डबल क्रोशर। चाचा डबल क्रोशिया लेना है गैप में। अभी मैं यहाँ पे जोड़ूंगी मोती डालना है। अभी चेन बना लूंगी, छोटा छोटा चेन।
मैंने करीब 50 चेन बनाए हैं, क्योंकि मेरा जो मोती है 8 नंबर का है, ये सॉरी 10 नंबर का है। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे हम, मैं यहाँ पे लूँगी। चार डबल क्रोशर, नेक्स्ट गैप में भी चार डबल क्रोशर आएगा। अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगी, यहाँ से टर्न मारूँगी एक चेन लेके। टर्न मारना है, गैप तक स्लिप नॉट से आऊँगी मैं। तीन चेन, उसके बाद चार डबल क्रोशर।
यहाँ पे ऐसे ही 6 मोती डालने के बाद इसी गैप में चार डबल क्रोशिया डालेंगे। पंद्रह चेन डाला है मैंने, सॉरी 5 चेन और एक्स्ट्रा डालती हूँ। सीधा भी एक गैप में मैं यहाँ तक ऐसे रिटर्न आऊँगी फ्रेंड्स। यहाँ तक रिटर्न आने के बाद सेम 6 मोती डालूँगी। नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशिया
सेम ये गैप में अभी चार डबल क्रोशर, सेम हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे इसको। फ्रेंड्स यहाँ तक मैं एंड तक आई हूँ बना के, अभी मैं इसमें मोती डाल देती हूँ लास्ट का जो है। चार डबल क्रोशिया, चेन बनाएंगे। बीस चेन कम से कम। चार डबल क्रोशर के बाद अभी हम इसको कट कर देंगे। फ्रेंड्स ये जो डिज़ाइन है थोड़ा सा अलग है,
ये देखिए, छः के ऊपर हमें ये तीन बनाना है, फिर से यहाँ पे नहीं बनाना है, इधर तीन बनाना है, उसके बाद फिर से ऐसे करके हमें तीन बनाना है। अभी मैं इसको हम बाद में हाइड कर देंगे धागा को। अभी मैं ये वाला आपको कंप्लीट करके बताऊंगी। तीन चेन के बाद चार डबल क्रोशिया डालने हैं। नेक्स्ट गैप में चार डबल क्रोशिया। एक चेन लेके टर्न करना है, गैप तक हम स्लिप नॉट से आएंगे। फिर से तीन चेन, तीन चेन, फिर तीन डबल क्रोशर। नेक्स्ट गैप में चार डबल क्रोशर। एक चेन लेके टर्न देना है, गैप तक स्लिप नॉट से आना है।
देखिए ऐसे करके हमें ये घटाना है। एक टर्न लेके टर्न गैप तक स्लिप नॉट, तीन चेन के बाद तीन डबल क्रोशर, नेक्स्ट गैप में फिर से एक चेन लेके टर्न। अभी लास्ट दो बाकी है, ये सॉरी लास्ट एक बाकी है। तीन चेन लेके तीन डबल क्रोशर, अभी हम इसको कट कर देंगे। मैं इसको बहुत काट कर दूंगी बाद में। यह ऐसे ही करके हमें ये कंप्लीट करना है। सेम हम इधर भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने ये बनाया। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये कंप्लीट कर दिया हूँ चारों में, ये सॉरी तीनों में। और यहाँ पे मैंने पॉम पॉम लगाया इधर। तो फ्रेंड्स, क्या आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो? फ्रेंड्स, अगर ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया प्लीज़ फ्रेंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।